दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से अपने एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं, एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हैं बिना कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड किए। सो गाइज, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप ऐप्स लॉक लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं या फिर आप पैटर्न लगा सकते हैं। तो मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहां पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको ऐप लॉक लिखना है और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद तीन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ऐप लॉक, डुअल लॉक और डुअल ऐप्स। यहाँ पर आपको ऐप लॉक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अब सेट पैटर्न करने के लिए बोला जा रहा है कि आप पैटर्न क्या सेट करना चाहते हैं। उसके बाद जो आप पैटर्न सेट करना चाहते हैं यहाँ पर उसको ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद अगर आपका पैटर्न गलत हो गया है तो यहाँ पर आपको ड्रॉ अगेन पर क्लिक करके आप पैटर्न को चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मैं ड्रॉ अगेन यहाँ पर पैटर्न कर देते हैं और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर MI अकाउंट ऐड करने के लिए बोला जा रहा है कि जब आप कभी अपना पैटर्न आप भूल जाते हैं तो यहाँ पर आप MI अकाउंट के जरिए उसको आप फॉरगेट कर सकते हैं। चलिए अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नॉट नाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने नॉट नाउ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये आपके फेस डिटेक्ट करेगा अगर आपका फेस लॉक रहेगा मोबाइल तो। उसके बाद इसको आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट भी आप अनलॉक कर सकते हैं या फिर आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी फिंगर अपने मोबाइल में लगा देता हूँ और ये फिंगरप्रिंट वेरीफाइड हो गया। अब हमारा फिंगरप्रिंट भी वेरीफाइड हो चुका है और हमारा ऐप्स लॉक ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो जो एप्लीकेशन में ऐप लॉक लगाने होंगे उसको आपको ओपन रहने देना है और जिसमें आपको हटाना है तो इसको आपको ऐप्स को क्लोज कर देना है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पर सारे क्लोज किए हुए हैं और यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउज़र को ऐप्स लॉक में डाल दिया है। ये देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र को मैंने ऐप्स लॉक ऑन कर दिया है। उसके बाद हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद अगर हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ऐप्स लॉक हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पर ये फेस डिटेक्ट करेगा या फिर फिंगरप्रिंट वेरीफाई करेगा या फिर आपको पैटर्न डालना पड़ेगा तभी आपका ये ब्राउज़र ओपन होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पर पैटर्न डालते हैं तो ओपन होता है या नहीं होता है। तो मैंने रॉन्ग पैटर्न डाल दिया तो ओपन नहीं हुआ। यहाँ पर राइट पैटर्न डालते हैं तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ओपन हो गया है। उसके बाद दोस्तों ये अगर हम बैक आते हैं और दोबारा ओपन करते हैं तो ये पैटर्न नहीं मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको अगेन आ जाना है ऐप्स लॉक की सेटिंग्स पर और यहाँ पर ये ड्रा कर देते हैं पैटर्न को और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हिडन ऐप का। आप अपने पैटर्न को यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को छुपा भी सकते हो। यहाँ पर आपको हाइड ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप ऐप्स लॉक को हटा भी सकते हैं। जैसे आपको ऐप्स लॉक हटाना है तो यहाँ पर आपको ऐप्स लॉक को क्लोज कर देंगे तो आपका सारा ऐप्स लॉक हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लॉक की सेटिंग मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, यानी जब आपकी डिवाइस लॉक होगी तब ये ऐप्स लॉक भी आपका क्लोज होगा। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड और आफ्टर एग्जिटिंग ऐप, यानी आप अगर ऐप्स को बाहर आ जाएंगे तो फिर भी आपका ऐप्स अगेन आपसे लॉक हो जाएगा और पैटर्न मांगेगा। उसके बाद यहाँ तीसरा ऑप्शन है व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड और 1 मिनट आफ्टर एग्जिस्टिंग ऐप, यानी अगर आप ऐप्स को एग्जिट करते हैं तो 1 मिनट बाद आपका लॉक होगा। उसके बाद यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन चूज कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है हाइड नोटिफिकेशन का। अगर आप अपने एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन को हाइड करना चाहते हैं, जैसे आपका एप्लीकेशन है कुछ भी चीज़ एप्लीकेशन में आप क्रिएटिविटी करते हैं तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आता है उसको आप हाइड करना चाहते हैं तो इसे आप ओपन कर देंगे तो एप्लीकेशन में आपके जो एक्टिविटी होगी, जैसे आप डाउनलोड करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है चेंज पासवर्ड टाइप का। उसके बाद आप यहाँ पे
पैटर्न को भी चेक कर सकते हैं, अपने चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर आप पासवर्ड में अपने पैटर्न चेंज कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं और अपने पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बैक आ जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा पैटर्न यहाँ पर काम कर रहा है या नहीं। चलिए हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पर पैटर्न मांग रहा है, इसे हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ओपन हो गया। अब अगर हम बैक आ जाते हैं तो हमारा ये अगेन मांगता है या फिर नहीं मांगता है, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये अगेन भी हम डालते हैं तो ये हमारा अगेन भी यहाँ पे पैटर्न मांग रहा है। जितनी बार हम बाहर आएंगे और पैटर्न आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे उतने बार यहाँ पर ये पैटर्न मांगेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी एप्लीकेशन में बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए अपने एप्लीकेशन में आप ऐप्स लॉक को लगा सकते हैं, आप पैटर्न भी लगा सकते हैं और पासवर्ड भी लगा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको सेटिंग्स को यूज करना होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।